नमस्ते योगी, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का अपना सेशन है वो है डिलीवरी की तैयारी के लिए। जो पार्ट वन था अपना, उसका आगे का सेशन है पार्ट टू। कुछ एक्सरसाइज या कुछ योगा योग क्रियाएं अपनी रह गई थी, तो उसको अपन ने पार्ट टू में डिवाइड किया है, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए दो वीडियो में शिफ्ट किया है। तो आधी इस एक पार्ट टू में है और हाफ पार्ट वन में। इस सेशन से अपना तात्पर्य आप इतना ही है कि शारीरिक और मानसिक रूप से आपको डिलीवरी के लिए तैयार करना। आपने डिलीवरी हमें अपन लोग कोई भी नहीं जानते कि आपने डिलीवरी कैसी जाएगी। डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता है कि अंतिम पड़ाव में हमारे साथ में क्या होगा। इसलिए इस चीज़ को आप ये सोच के ना करेंगी, हमारी इस सेशन को देखने से हमारी 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। हाँ, हमारी कोशिश है हम तनाव मुक्त होके सकारात्मकता के साथ में ये चीज करें, और हमें अपने आप को फिट रखना है, मजबूत रखना है, और अपने बच्चे को भी मजबूत रखना है। इसके लिए ये सेशन तैयार किया है। और फिर भी आपको ऐसा कहीं अनकंफर्टेबल या हाई रिस्क लगे तो आप इस सेशन को ना करें, अपने डॉक्टर के एडवाइस से ही करना आपको। तो चलिए अपन शुरू करते हैं इस सेशन को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और वीडियो को पूरा वॉच करना है। कुछ लोग थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं, तो आप स्किप ना करें, पूरा वॉच करें, क्योंकि ये योगा सेशन आप सभी कर सकते हैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ये तो मैंने एक टेक दिया है कि सेलेक्टेड वीडियोस हैं तो सिर्फ प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, तो आप लोग उसका थंबनेल देख के ही छोड़ देते हैं, तो ऐसा ना करें, आप पूरा वॉच करें। इस सेशन में सबसे पहले आपको स्क्वैट्स करने हैं। स्क्वैट्स क्या होता है? चेयर की तरह। यदि आप इस तरीके से बिना किसी सहारे के नहीं कर सकते हैं, तो आपको चेयर ले लेना है, या कोई खिड़की वगैरह या कुछ भी आपके हाथों के लेवल का हो तो उसके साथ में करना है। यानी कि ये जो अपना पेल्विक एरिया है, इसको मजबूती देता है, थाइज को मजबूती देता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा पैरों को खोलें, और खोल करके अपन क्या करेंगे, सांस भरते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। जितने अपन कर सकते हैं उतने ही करें इस तरीके से। इसके बाद अपन करेंगे त्रिकोणासन। पैरों को पूरा खोलना है, हाथ आपका जितना नीचे जाए उतना ही ले जाना है, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर करना है, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे लाना है। आप दो दो बार कर सकते हैं, दो बार करिए, तीन बार कर सकते हैं, तीन बार कर सकते हैं, जो जितनी आपकी बॉडी की क्षमता है उतनी टाइम करना है। सांस भरें, एक दो मिनट तक आपको पोजीशन को होल्ड कर रखनी है, सांस छोड़ें वापस आए, दूसरी साइड करें, सांस भरें, हाथ की तरफ देखें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस को अंदर लें, धीरे धीरे सांस को छोड़ें। आपको कंफर्ट लग रहा है, आप तीन बार, चार बार, कितनी भी बार कर सकते हो। इस तरीके से सांस भरते हुए नीचे की तरफ जाना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आना है। एक पैर आपको 90 डिग्री पे करना है, एक पैर 45 डिग्री पे रखना है, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए वापस लाना है, घुटने को मोड़ना है
आपका पैर का अंगूठा है उसी लेवल में, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। ऐसे ही दूसरी साइड में करना है। इस तरीके से आपको वज्रासन में बैठना है, ऐसे हाथ टिकाना है धीरे धीरे। एक पैर आपको सीधा करना है, दूसरे पैर को धीरे से आगे लाना है इस तरीके से, और लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। ऐसे ही धीरे से पैर को इसको सीधा करें, दूसरा पैर आराम से आपको आगे लेके आना है इस तरीके से वापस वज्रासन में। इस आसन में आपको महसूस होगा कि ये जो थाइज इस पैर वाला एरिया है उसमें आपको स्ट्रेचिंग महसूस होगी, और बहुत ज़्यादा कमर में रिलीफ महसूस होगा, पैरों में भी बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में इतना रिलैक्सेशन महसूस होगा। ये देखने में ये पोजिशन बहुत हार्ड लगती है, लेकिन करने में बहुत अच्छी लगती है। दूसरे पैर से करेंगे इसी तरीके से, ऐसे हाथों को टिकाएं। ध्यान रहे कि अपने पैर पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, पहले हाथ टिकाना है। हाथ टिकाएं, इस पैर को सीधा करें, दूसरे पैर को साइड से यूं लें आराम से, 5 बार सांस भरें और सांस छोड़ें। वापिस से वज्रासन में बैठें। अगला अपना आसन है वो इसी तरीके से है, कैट काउ पोज में आते हैं उसी तरीके से आना है आपको। दोनों इस तरीके से एक कोहनी टिकानी है, फिर दूसरी कोहनी टिकानी है, फिर उस पे सिर टिकाना है। आराम से रिलैक्स हो और दोनों दोनों पैरों को बराबर मात्रा में खोल के रखें, और इस तरीके से आराम से सिर को टिका करके सांसें लें। धीरे से पैरों के सहारे से यूं बैठ जाएं। अब आपको किस तरीके से लाना, जैसे मैं कर रही हूं उसी तरीके से करना, झटके से कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से लाएं हाथ पैरों को आगे, एक पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाएं, पूरा नहीं उठाना है, थोड़ा सा। फिर ये हाथ आप पीछे की तरफ रखे रखिए ताकि आपकी टम्मी पे दबाव ना पड़े, हल्का सा। दूसरे पैर को उसके घुटने के ऊपर रखें, फिर जो पैर आपने मोड़ रखा, सीधा कर रखा, उसको थोड़ा थोड़ा हाथ के सपोर्ट से ऐसे ऊपर करें। दूसरा हाथ भी पीछे की तरफ रखें, सांस भरें और सांस छोड़ें 5 सेकेंड तक। धीरे से पैर को नीचे लाएं। अब इसी तरीके से पैर को थोड़ा सा 3/4 में ही आपको ऊपर करना है। दूसरे पैर को इस वाले पैर के घुटने के ऊपर रखें, हाथ के सपोर्ट से पैर को ऊपर करें।
उतना ही ऊपर करें, ज़्यादा ऊपर करेंगे तो आपके पेट पे प्रेशर पड़ेगा। पैर हाथों को पीछे रखें, 5 सेकंड तक लंबी लंबी सांसें लें। इस तरीके से हाथों को सीधा करें, फिर लेटें। आपको पैरों का यू राउंड बनाना है, इस तरीके से पैर इस तरीके से रखें। दोनों दोनों पैरों के तलवे को मिलाना है, सांस भरते ऊपर करना है, पीछे की तरफ लेके जाना है पैर को, फिर वापस उसी पोजीशन में लाना सांस छोड़ते हुए। फिर ऐसे ही अपन दूसरी साइड से करेंगे, पैरों को मिलाएं। सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं, पीछे की साइड सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। जितनी बार आपसे लिया जाता है उतनी बार लें। अगला अपना है प्राणायाम, जो कि कब्ज, गैस, एसिडिटी और पेट में जलन, अपच की समस्या हो या गुस्सा आता हो, बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता हो, प्रेगनेंसी में ये सारे सिम्टम्स जाहिर से हैं, नॉर्मल सी बात है। तो इसके लिए अपन करेंगे शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये जो 4-5 प्राणायाम बताए हैं। अगर गैस की समस्या, रात को सोते टाइम शीतकारी और शीतली प्राणायाम करें, आपको बॉडी में ठंडक रहेगी और सुबह आराम से आपको गैस की समस्या या एसिडिटी की समस्या नहीं होगी। शीतकारी प्राणायाम को कैसे करना है, स्माइल वाला पोर्शन बनाना है अपने को, जैसे स्माइल करते हैं इस तरीके से बनाने के बाद में आपको दांतों को भींचना है, ऐसे दांतों को दोनों को, दोनों जबड़ों को ऊपर नीचे को, आगे के पोर्शन को, दांतों को भींचने के बाद में जो जो टंग है अपनी, जीभ है, वो बिल्कुल आपको बीच वाले पॉइंट में टच होनी चाहिए दांतों के अंदर, और दांतों के अंदर से आपको 5 सेकंड तक सांस भरनी है, 5 सेकंड तक धीरे धीरे जितनी भरी जाए। फिर नॉर्मल तो अपन प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तब तो 15 सेकंड तक उसको, सांस को रोकते हैं और फिर निकालते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको सांस को नहीं रोकना है, आपको सांस को तुरंत ही निकालना है, और नाक से निकालना है, या आपको इजी लगे कि अपन लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके राइट से निकालें तो वैसे भी आप कर सकते हैं, और ऐसे आप प्राणायाम की मुद्रा में ऐसे निकालें दोनों नोस्ट्रिल से तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस को निकाला धीरे धीरे, वापिस से भरेंगे, फिर दोनों नाक से सांस को निकालेंगे, ऐसा आपको 5 से 10 बार करना है। ठीक।
ये हुआ शीतकारी प्राणायाम। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। अगले सेशन में मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।